ये जो दाना खा रहा है, कई कलर का दाना है, कई तरह का दाना मिला हुआ है, रंग बिरंगा हो गया है। ऐसे ही परिंदे भी रंग बिरंगे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनके बच्चे भी रंग बिरंगे निकले और ऐसी कोई कॉलोनी बन जाए तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज बजरी तोतों की मटकियाँ लगाएंगे हम, क्योंकि ये एडल्ट हो गए हैं, अभी इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकते हैं, और फिर गर्मी का मौसम भी आने वाला है। तो दोस्तों पिंजरे की नाप मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे में 4 फीट है, ऐसे में 4 फीट है लंबाई, और ऊंचाई जो है इसकी 3 फीट है, और ऐसे में अगर देखें तो ये 2.5 फीट है, और ये बहुत पुराना पिंजरा है आपका जाना पहचाना। इसी से मैंने शुरुआत करी थी बर्ड पालने की, तब मटकी लगाई थी और आज फिर मटकी लगाऊंगा आपके सामने। दोस्तों मटकियां लगाने से पहले मैं बता दूं कि ये पिंजरा आप खुद ही घर पे तैयार कर सकते हैं, 1000 रुपये में तैयार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जाली GI वाली जाली ले आइए, और कटर प्लास और नोज प्लास से आप ये पिंजरा तैयार कर सकते हैं। और ये लकड़ियाँ तो मैंने घर की लगा ली थी दोस्तों, जो इधर उधर पड़ी हुई थी, चारों तरफ लगा ली ताकि ये झोल नहीं मारे, क्योंकि इसमें हम मटकियाँ लगाएंगे। अब दोस्तों करते हैं बजरी तोतों की मटकियों का चुनाव। तो ये देखिए दो तरह की मटकियाँ रखी हैं, कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। तो दोस्तों छोटी मटकियाँ तो मैंने फिंच के लिए लगाई थी, जबकि कुछ लोग ये बजरी तोतों में भी लगाते हैं, लेकिन ये छोटी मटकी देख रहे हैं आप, ये फिंच के लिए लगाई थी मैंने, जबकि फिंच के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बजरी के लिए भी छोटी हैं, बजरी के लिए छोटी हैं। और बजरी के लिए मैं कौन सी मटकी लगाता हूँ दोस्तों? बजरी के लिए हम लगाएंगे ये वाली मटकी। देखिए दोस्तों ये इसकी पेंदी आपको दिख रही थी, चौड़ी पेंदी है, नीचे से तला कहिए, पेंदी कहिए, या इसकी तली कहिए आप। तो दोस्तों अभी तो हम मटकियाँ उठाते हैं और फिर तार बांधते हैं उसमें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि तली जो है वो चौड़ी क्यों होना चाहिए। अब ये मटकियाँ हमने निकाल ली हैं बजरी तोतों के लिए, और अब तार बांधते हैं इसमें। दोस्तों अब मटकी में तार बांधेंगे हम, और ये सेंटिंग वाला वायर है आप जो देख रहे हैं, ये बहुत काम आता है अगर आप बर्ड्स का काम कर रहे हैं, पिंजरों में बांधने में, जगह जगह बंद लगाने में। तो अब क्या करेंगे हम के तार ले लेंगे, ये देखिए काट दिया। अब हमें इस तरह से दोहरा तार लेके और ऐसे बांधना है दोस्तों कि ये छेद जो है छेद के सामने रहे, ये या यूं कहिए कि छेद के अपोजिट में बिल्कुल, और इसको हमने ऐसे बल दे दिया, ये देखिए बल दे दीजिए आप, और बल दे के अब हमें इसी तरह से सभी मटकियों में तार बांध लेना है, बस ऐसे बांध लेना है दोस्तों, सिंपल है, और ये तार निकले रहेंगे। और आप स्केच पेन से या मार्कर पेन से इस तरह के नंबर भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाले हैं। और इसकी पेंदी बड़ी होने की जो वजह है दोस्तों वो ये है कि दो तो माँ बाप हो गए, और उसके अलावा औसतन आप 6 बच्चे मान लीजिए, तो जब बच्चे बढ़ते हैं तो वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, और फिर माँ बाप भी फीड कराने के लिए उसमें घुसते हैं, तो 8 बर्ड्स की जगह होना चाहिए इतनी। आप मटकी बड़ी लगा दीजिए चल जाएगा, कितनी बड़ी लगा दीजिए, लेकिन छोटी मत लगाइए। मटकी बड़ी होने से ये होगा कि बच्चे सेहतमंद रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, और उनकी कद काठी भी अच्छी निकलेगी, ठुटरे हुए से बच्चे नहीं होंगे। अब दोस्तों हम मटकियाँ लगाएंगे, और अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मटकियाँ कैसे जाएंगी, क्योंकि ये पिंजरा तो चारों तरफ से पैक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखिए आप ये डंडा, इसमें मटकी में इस तरह से डंडे को लगा के दोस्तों, और इस तरह से अंदर कर देंगे, और फिर उस साइड करेंगे तो वहाँ से कोई भी इन तारों को ले लेगा और ऐसे बल दे देगा। ये देखिए दोस्तों अब ये देखिए बंद गई है हमारी मटकी, और अब दूसरी मटकी देखिए, एक इंसान उधर से देगा डंडे से, और एक इंसान इधर से बांध देगा। तो दोस्तों तैयार हो गई हमारी कॉलोनी, और लग गई हैं मटकियाँ, कंप्लीट हो गई कॉलोनी। अभी कंप्लीट होने में थोड़ी सी कसर यह है कि अभी जो हमने इसमें निकाल दिया था
दाना वगैरह वो तो हमने रख दिया दाना वगैरह, और अब रखना है जो सेंधा नमक का भी निकाल दिया था, और सेंधा नमक रखना है, और रखना है कैल्शियम ब्लॉक जो कि पीओपी का होता है, और रखना है समंदर झाग। ये तीनों चीज़ें इसमें रखना है जो कि हमेशा रखी रहेंगी 365 दिन। और दोस्तों अब और एक काम ये करना है कि इसको पिंजरे को इसकी जगह पर रख देना है। ये पिंजरा ऐसे ही धूप में नहीं रखा रहेगा, ये किसी शेड के नीचे हम रखेंगे। अगर आप बनाएं ऐसा पिंजरा तो पहले से शेड होना चाहिए, उसके नीचे आप रखें। और अब ये करना है दोस्तों, इसको इसकी जगह पे रखने के बाद ख़ास बात ये है कि इसको ढाक देंगे हम। ढाकेंगे किधर से दोस्तों? चारों तरफ से, चारों तरफ से मतलब पीछे से, पीछे से और ऊपर से और आजू बाजू से, तो ये चार तरफ हो गई। सिर्फ सामने से, इधर से खुला रहेगा ये और इस तरह से दिखता रहेगा जैसा आपको दिख रहा है। बाकी ढाक इसलिए देंगे दोस्तों कि इनको थोड़ा सा शर्म आती है, अभी शुरू शुरू की नई नई ब्रीडिंग है, और फिर आजकल वैसे भी सर्दी का टाइम है, सर्दी का मौसम है, तो ढाक के तो वैसे भी रखते हैं, लेकिन अगर आप जब नई कॉलोनी बनाएं तो वैसे भी थोड़ा सा कपड़े से इस तरह से आप ढाक के रखें, सिर्फ सामने से खुला रहने दें ताकि ये प्राइवेसी अपनी महसूस कर सकें, इन्हें लगे कि हम, हमारी कॉलोनी हमारे लिए ही है और कोई यहाँ पर दखल देने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये एक तरह की शुरुआत है बजरी तोते पालने की, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक आम सी शुरुआत है जो कि आप इतने जोड़ों से तो करें ही, यानी कि आप 10-12 जोड़ों से शुरुआत तो करें ही दोस्तों, नहीं तो एक जोड़े से करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा आगे बढ़ने में। अब जैसे मान लीजिए ये 10 जोड़े हो गए, या जैसे मैंने 12 मटकियाँ लगाई हैं तो इसमें से 8 भी अगर सिलेक्ट हो जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं, तो दोस्तों ये होता है कि 8 जोड़ों के 8 या 24 20-25 बच्चे एक बार में निकलेंगे तो 3 बार में मेरी बड़ी कॉलोनी बन सकती है। ये एक तरह का अंदाज होता है, बाकी कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। जिस तरह से हम ख्याल रखेंगे इनका अच्छे से, जितना अच्छा हम इनका ख्याल रखेंगे दोस्तों, ये उतनी ही अच्छी ब्रीड करेंगे। और दोस्तों मटकियों के ढक्कन भी लगाना ज़रूरी ही है एक तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेसी महसूस करते हैं ढक्कन अगर लगे रहेंगे, और जब तक ज़्यादा सर्दी ना हो तो ढक्कन थोड़ा सा सरका के ही रखें ताकि मटकी के अंदर हवा जाती रहे। दोस्तों अब लग गई है मटकियाँ, देखिए अब कॉलोनी कंप्लीट हो गई है, मटकियों की कमी थी अब वो भी पूरी हो गई है, और अब देखते हैं कि क्या होता है, जो भी होता है आपके सामने होगा, ऐसी वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।